हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं लर्न टेक्सटाइल विथ एके यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्विल वीव के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्विल वीव, फीचर ऑफ ट्विल वीव, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विल वीव, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्विल वीव, एंड यूज ऑफ ट्विल वीव। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्विल वीव, ट्विल वीव दूसरी बेसिक बुनाई है। इसे कई अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। ट्विल वीव में एंड पर इंच तथा पिक पर इंच प्लेन वीव की तुलना में अधिक होते हैं। इसमें बाइंडिंग पॉइंट प्लेन की तुलना में कम होता है। ट्विल वीव का कवर फैक्टर अच्छा होता है। ट्विल वीव में एक सेलवेज से दूसरे सेलवेज की ओर एक डायगोनल लाइन बनती है। फीचर ऑफ ट्विल वीव, ट्विल वीव की मुख्य विशेषता निम्न है। ट्विल वीव के फेस साइड में डायगोनल लाइन को देखा जा सकता है। ट्विल लाइन लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की ओर व नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसका मिनिमम रिपीट साइज 3x3 होता है। ट्विल वीव के शेडिंग में तीन या तीन से अधिक हेड शाफ्ट की आवश्यकता होती है। ट्विल वीव में जनरली स्ट्रेट ड्राफ्ट बनता है। ट्विल लाइन 45 डिग्री पर झुकी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विल वीव, ट्विल वीव को तीन भागों में बांटा गया है। फेज डिज़ाइन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, ट्विल लाइन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन तथा बैलेंस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू फेज डिज़ाइन, वार फेज्ड, वेफ्ट फेज्ड तथा बैलेंस। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ट्विल लाइन, राइट हैंड ट्विल, लेफ्ट हैंड ट्विल। अकॉर्डिंग टू बैलेंस, रेगुलर ट्विल तथा इरेगुलर ट्विल। डेरिवेटिव्स ट्विल वीव, ट्विल वीव के डेरिवेटिव्स को नीचे दिया गया है। पॉइंटेड ट्विल, हेयरिंग बोन ट्विल, ब्रोकन ट्विल, कंबाइंड ट्विल, रीअरेंज ट्विल, ऑर्डिनरी या कंटिन्यूस ट्विल, फैंसी ट्विल आदि। पॉइंटेड ट्विल, पॉइंटेड ट्विल को जिग जैग ट्विल भी कहते हैं। इसमें डिजाइन रिपीट साइज के आधे भाग में इंक्रीज होती है तथा आधे भाग में रिवर्स हो जाती है, जिसके कारण डिजाइन के हाफ में पॉइंट सा बन जाता है, इसलिए इसे पॉइंटेड ट्विल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, थ्री बाई थ्री में पॉइंटेड ट्विल। क्वेश्चन नंबर एक, थ्री बाई थ्री में पॉइंटेड ट्विल बनाना है। तो यहाँ पे हमको थ्री अप थ्री डाउन दिया, हमें साइज नहीं मालूम है। तो साइज निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, ई पी आई बराबर 2n-2 और पी पी आई बराबर n। n क्या है, जो अप और डाउन दिया है, थ्री अप थ्री डाउन दिया है, इसी का योग है n। तो n बराबर 3+3, तो हो जाएगा n बराबर 6। अतः पी पी आई मतलब पी पी आई हो गया 6, और हमको निकालना है ई पी आई। तो ई पी आई बराबर 2n-2, तो हो जाएगा 2×6-2, तो 12-2 हो जाएगा, 12-2। तो ई पी आई हो जाएगा ई पी आई बराबर 10, 12 में से 2 गए 10। अब हमें साइज मालूम हो गई, रिपीट साइज हो गया कितना, 10×6। जैसा कि मालूम है पॉइंटेड ट्विल में एक बीच से मुड़ना होता है, तो मुड़ने के लिए क्या करेंगे, मुड़ने के लिए फार्मूला होता है 2k-2 बराबर ई पी आई। 2k क्या है, जहाँ से मुड़ना होगा वो मुड़ने वाला पॉइंट है। तो k बराबर हो जाएगा ई पी आई 10 प्लस
ये दो इस तरफ माइनस में था, उस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा दो, तो हो जाएगा टू टू के बराबर हो जाएगा 12, दो से दो कट जाएगा तो बचेगा कितना, के बराबर 6। तो मुड़ने के लिए हमको मिल गया, मुड़ने वाला पॉइंट हो गया 6। अब चलते हैं ग्राफ पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 1, 3x3 में पॉइंटेड ट्विल बनाना है जिसका रिपीट साइज कैलकुलेशन से हम निकाले हैं 10x6, मतलब कि 10 एंड और 6 पिक में डिजाइन बनेगी, और जिसका मुड़ने का पॉइंट भी हमने निकाला है उस आया है 6, और डिजाइन में हमको भरना है 3 अप और 3 डाउन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10x6 का एक ग्राफ लेंगे। हमने ग्राफ ले लिया, इसमें सबसे पहले हमको भरना है 3 अप और 3 डाउन भरना है। तो सबसे पहले 3 अप 3 डाउन ना भर के हम इसमें भरेंगे 1 अप और 5 डाउन। तो 1 अप भरेंगे, 1 अप 5 डाउन, 1 2 3 4 5, 5 डाउन है। फिर यहाँ पर भी 1 अप 5 डाउन, 1 अप 5 डाउन, 1 अप 5 डाउन, 1 अप 5 डाउन, 1 अप 5 डाउन। अब हमको जैसा कि मालूम है कि पॉइंटेड ट्विल में हमारा मुड़ने वाला पॉइंट 6 है, 6 वाला पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हम ऊपर जा रहे थे, अब नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। तो मुड़ेंगे तो यहाँ पे भरेंगे 1 अप 5 डाउन, 1 अप 5 डाउन, 1 अप 5 डाउन और 1 अप 5 डाउन। अब हमारी डिजाइन क्या है, 3 अप और 3 डाउन भरना है। तो 1 अप तो हम पहले से भर चुके हैं, अब 2 अप और इसके इसके ऊपर 2 अप और कर देंगे, तो हो जाएगा 1 2। अभी हो गया कितना, 1 2 3, 3 अप और 3 डाउन। इसके जस्ट ऊपर वाले में भी सेम टू सेम करेंगे, 2 अप करेंगे तो 1 2 3, 3 अप हो गया, और 1 2 3 डाउन भी हो गया। फिर 2 अप, फिर 3 डाउन हो गया, 1 2 3 डाउन हो गया। फिर इसके ऊपर भी 2 भर देंगे, इसके ऊपर भी 2 भरेंगे। अब 2 भरने का जगह नहीं है, तो अगर डिजाइन होता है इसके ऊपर तो आगे जाता, आगे नहीं जाएगा तो नीचे भरा जाएगा। यहाँ पे वही सेम वाला इसमें भी होगा, इसके ऊपर अगर जगह नहीं है तो यहाँ नीचे भरेंगे 2 अप। फिर यहाँ पर भी इसके ऊपर भी 2 भरेंगे, अब यहाँ पर भी 2 अप, यहाँ पर भी 2 अप। इस तरह से डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे, तो ड्राफ्टिंग के लिए भी सेम 6 हिल्ड फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10x6 का ग्राफ लेंगे हम। 10x6 का ग्राफ लिया, अब पहली वाली डिजाइन के लिए हम पहला हिंट शॉप दे देंगे, दूसरी वाली डिजाइन पहले वाले से अलग है तो इसके लिए दूसरा हिंट शॉप, तीसरा वाला डिजाइन इन तीनों से अलग है, दोनों से अलग है तो अलग हिंट शॉप। इसी प्रकार से सबके लिए अलग अलग हिंट शॉप देते चले जाएंगे। अब जब छठे पे आ जाएंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि जो नीचे मुड़ा हुआ है, ये वाली डिजाइन और ये वाली डिजाइन सेम टू सेम है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो इसके लिए सेम हिंट शॉप दे देंगे। फिर अगली वाली डिजाइन इससे मैच करेगी, इससे मैच कर रहा है तो इसके लिए भी सेम हिंट शॉप। फिर ये वाला डिजाइन और ये वाला डिजाइन दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है तो इसके लिए सेम हिंट शॉप देंगे। फिर ये वाला और ये वाला, ये मतलब कि 10वां नंबर वाला हिल, 10वीं डिजाइन और इधर से दूसरा वाला डिजाइन दोनों सेम है तो इनको एक हिल शॉप दे देंगे। अब बनाएंगे पीक प्लान। इस तरह से एरो से मिला देंगे, और अब जो पहला हिल शॉप है, पहला वाला हिल शॉप, पहले हिल शॉप में जो डिजाइन है उसको पीक प्लान में पहले वाले में भर देंगे। तो 1 2 3 अप 3 डाउन, अगले वाले में भी 3 अप 3 डाउन है। देखो छठा वाला हिल शॉप में जो डिजाइन भरा हुआ है वो यहाँ पे भर देंगे। अब अगली वाली डिजाइन के लिए देखो ये सब तो सेम है, इसमें जो डिजाइन भरा हुआ है वही इसमें। अब पूरी डिजाइन बनाने के बाद अब इन सबका नाम दे दिया जाएगा। तो ये जैसे कि ये डिजाइन है तो इसको लिख देंगे डिजाइन डिजाइन, ये ड्राफ्ट है तो इसको लिखेंगे ड्राफ्ट ड्राफ्ट, ये है पेक प्लान। क्वेश्चन नंबर 2, रिपीट साइज 12x6 में 3x3 पॉइंटेड ट्विल बनाना है। तो यहाँ पे हमको रिपीट साइज पता है, हमको मुड़ने का बस निकालना है। तो मुड़ने के लिए क्या होता है,
टू के माइनस टू बराबर टू बराबर ई पी आई होता है, तो हो जाएगा टू के माइनस टू बराबर ई पी आई कितना है 12। ई पी आई 12, पहला वाला जो होता है ई पी आई होता है, दूसरा वाला होता है पी पी आई होता है, तो ई पी आई हमारा 12 है, तो टू के बराबर हो जाएगा 12 प्लस 2, तो के बराबर हो जाएगा 14/2, तो के बराबर हो जाएगा 7। मोड़ने का हमें मिल गया 7। क्वेश्चन नंबर टू, रिपीट साइज 12 × 6 है और 3/3 में हमको 12 भी भरना है, हमने कैलकुलेशन से निकाला कि 7 से मुड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 × 6 का ग्राफ लेंगे। 12 × 6 का ग्राफ ले लिया, अब इसमें डिज़ाइन भरेंगे 3 अप और 3 डाउन। तो हमको 7 से मुड़ना है, यहाँ नंबरिंग कर देते हैं नीचे 1। अब पहले वाले में हमको भरना है क्या, 3 अप 3 डाउन भरना है, तो हम पहले 3 अप 3 डाउन न भर के पहले हम 1 अप और 5 डाउन भरेंगे। 1 अप 1 अप 5 डाउन, 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 1 2 3 4 5 डाउन, फिर अगले वाले में 1 अप और 5 डाउन। हमको 7वें से मुड़ना है ना, तो अब इसके बाद 7वें वाले में भरेंगे, तो 7वां वाला इसके ऊपर नहीं है तो नीचे है, यहाँ पे भरेंगे हम 1 डाउन, 1 अप और 5 डाउन। अब हमें 7वें के बाद से सब नीचे उतरना है, नीचे उतरना है, तो क्या अब इसके नीचे तो है नहीं, नहीं है, यहाँ से भरेंगे 1 अप, फिर 1 अप 5 डाउन, फिर यहाँ पे 1 अप 5 डाउन, 1 अप 1 2 3 4 5 डाउन, फिर 1 अप 1 2 3 4 5 डाउन, फिर यहाँ पे 1 अप 1 2 3 4 और नीचे 5 डाउन। इतना भरने के बाद अब हमारा तो 1 अप 5 डाउन है नहीं, डिजाइन है 3 अप 3 डाउन का, तो इसके ऊपर 2 2 अप और कर देंगे, तो 2 अप 1 2 3 अप और 3 डाउन हो गया, फिर इसके ऊपर भी 1 2 1 2 3 अप 1 2 3 डाउन हो गया, सभी के ऊपर 2 अप और लगा देंगे। इस प्रकार हमारा डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। अब हम ड्राफ्ट बनाएंगे, तो ड्राफ्टिंग के लिए भी हमको 12 × 6 का ग्राफ चाहिए। हमने 12 × 6 लिया, अब वैसे पहले हैंडशॉप के लिए, मतलब पहली वाली डिजाइन के लिए पहला हैंडशॉप दे देंगे, दूसरी वाली डिजाइन पहले वाले से अलग है तो इसके लिए दूसरा हैंडशॉप दे देंगे, तीसरी वाली डिजाइन पहले और तीसरे दोनों से अलग है तो इसके लिए तीसरा हैंडशॉप दे देंगे। इसी प्रकार 7 तक अलग 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 सभी डिजाइन एक दूसरे से अलग है, 7 तक सभी डिजाइन एक दूसरे से अलग है, तो सभी के लिए अलग अलग हैंडशॉप दे देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गया। अब ये जो 7वां वाला है, 7वां वाला पहले वाले से मैच कर रहा है, तो इसको यहाँ हैंडशॉप दे देंगे 7वां वाला। जो आठवां इंड है, आठवें इंड की डिजाइन, आठवां वाला इंड की डिजाइन जो है छठे वाले डिजाइन से मैच कर रहा है, आठवां वाला छठे वाले से मैच कर रहा है, तो जो छठा वाला है, आठवां वाला छठा वाला मैच कर रहा है, तो इसके लिए सेम हैंडशॉप दे देंगे। 9 नंबर और 5 नंबर, 9 और 5 एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसके लिए सेम हैंडशॉप। फिर 10 नंबर और 4 नंबर, 10वां और 4था एक दूसरे से मैच कर रहा है तो इसके लिए सेम हैंडशॉप। फिर 11 और 3, 11 और 3 मैच कर रहा है तो इसके लिए सेम हैंडशॉप दे देंगे। फिर 12 और 2 एक दूसरे से मैच कर रहा है तो इसके लिए सेम हैंडशॉप दे देंगे। इस प्रकार से हमारा ड्राफ्टिंग बन के तैयार हो जाएगा। अब बनाएंगे पेक प्लान, 6 × 6 में पेक प्लान बनेगा, 6 × 6 में इसका एक प्लान बनेगा, क्योंकि 7वें के बाद डिजाइन रिवर्स हो जा रही है। अब डिजाइन को भरेंगे,
तो जो पहला वाला हेड शाफ्ट है, पहले वाले हेड शाफ्ट में डिजाइन में जो डिजाइन भरी हुई है उसको पेक प्लान में पहले भर देंगे। 1 2 3, थ्री अप हुआ, थ्री डाउन हो गया। दूसरा वाले के लिए दूसरा वाला भर देंगे, 1 2 3 अप, थ्री डाउन हो गया। तो यहाँ पे भरेंगे 1 अप 2 अप, थ्री अप, थ्री अप हुआ और 1 2 3 डाउन हो गया। फिर अगली वाली डिजाइन 1 2 3, थ्री अप हुआ, 1 2 3, थ्री डाउन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से भरेंगे 1 2 और 3, थ्री अप हुआ, थ्री डाउन हुआ। फिर यहाँ पे एक 1 अप, यहाँ पर दूसरा अप, यहाँ पे तीसरा अप और 1 2 3 डाउन हो गया। इस प्रकार से हमारा एक प्लान बन के तैयार हो जाता है। अब सभी का नाम दे देंगे। तो ये डिजाइन है तो इसका नाम डिजाइन, डिजाइन। ये हो गया ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। ये है पेक प्लान, पेक प्लान। एंड यूज ऑफ ट्विल वीव, ट्विल वीव का उपयोग ड्रिल क्लॉथ, खाकी वर्दी, डेनिम क्लॉथ, कंबल और शर्टिंग में किया जाता है। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।